ठीक, चलो तो नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करते हैं, रेडॉक्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेडॉक्स। ठीक, अब बेटा जो ये रेडॉक्स है, ये इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो लिखो पहला पॉइंट, रेडॉक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसमें रेडॉक्स में रिडक्शन का RED लिया हुआ है और ऑक्सीडेशन का OX लिया हुआ है। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये क्या है, रेडॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन रेडॉक्स रिएक्शन ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है। इन रेडॉक्स रिएक्शन ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब हम बेटा रेडॉक्स की बहुत सारी डेफिनेशन आई है, सबसे पहले हम रेडॉक्स की मॉडर्न डेफिनेशन समझते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है ना, मॉडर्न डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। जैसे बेटा हम इस मॉडर्न डेफिनेशन को समझते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम पैसे से समझते हैं। किससे समझते हैं, पैसे से। जैसे देखो बेटा, आप लोग क्या करते हो, पापा से पैसे लेते हो, तो जिसने पैसे दिए उसका ऑक्सीडेशन हो गया और जिसने पैसे लिए उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो सिमिलरली ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को हमेशा पैसे ही समझना बेटा, तुरंत समझ में आता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो क्या कहलाएगी, रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो बेटा, कभी भी इलेक्ट्रॉन हवा के अंदर नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर। तो यदि इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो किसी ना किसी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। ऐसा तो होता नहीं है बेटा कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने आंख बंद की और भगवान का नाम लिया और मेरे पास में 50,000 रुपये आ गए। मुझे पैसे चाहिए तो मुझे किसी ना किसी की जेब खाली करनी पड़ेगी या नहीं। तो यहां पे किसी को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। यदि कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए, और किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अकेली कभी नहीं होंगी, एक देगा तो दूसरा लेगा। ठीक है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। मतलब टुगेदर, एक साथ, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है मेरी बात, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ होती हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इतना आपने लिख लिया होगा। अब बेटा हम ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीडेशन, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सोडियम ने, तो याद करो बेटा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं। यहां पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब -1 चार्ज चला गया, तो सोडियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, +1।
यदि हम Mg की बात करें, Mg दो इलेक्ट्रॉन दे दे, तो बेटा माइनस टू चार्ज यहां से चला गया, तो यहां कितना चार्ज क्रिएट होने वाला है? प्लस टू चार्ज। तो देखो बेटा, इस केस में इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, इस केस में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है ना। मैंने लिया ओ माइनस टू, ओ माइनस टू ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां पे कितना चार्ज बचेगा? माइनस वन, क्योंकि ये जो माइनस टू चार्ज है ये दो इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो इसने यदि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज आया, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। मैंने अगला एग्जाम्पल लिया NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारी की सारी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज कम होगा। देखो बेटा, यहां पे जीरो चार्ज था, यहां प्लस वन आ गया, यहां जीरो चार्ज था, यहां प्लस टू चार्ज आ गया, यहां जीरो चार्ज था, यहां प्लस आ गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? और इसके चौहान, हर्षवर्धनी राजपूत, बेटा ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं, क्या न्यू एडमिशन है आप लोगों का? पुलक, हर्षवर्धनी, अभी वीडियो ठीक है? स्क्रीन सही कर देना, ये वाली पूरी, ये अनिरुद्ध वाली स्क्रीन छोटी आ रही है, नहीं ये स्क्रीन जो चैट वाली है ना। हाँ बेटा, अभी क्लियर है वीडियो? पुलक, अनिरुद्ध, याशिका, दोनों स्क्रीन दिखना दो। चलें अभी दोबारा करूं एक्सप्लेन, चल। हाँ ठीक है, ये हाँ नीचे कर देना, ठीक। हाँ देखो बेटा, ऑक्सीडेशन का नंबर का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, Mg ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ न्यूट्रल में से, तो चार्ज पॉजिटिव जनरेट हुआ या नहीं हुआ? ठीक, तो ऑक्सीडेशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहां देखो जीरो से प्लस वन आ गया। और बेटा ऑक्सीडेशन में नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। जैसे मैंने ओ माइनस टू में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ओ माइनस वन बचा, तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है। कहां पे? इलेक्ट्रॉन लॉस होने पे या ऑक्सीडेशन होने पे। सीधी सी बात है अनिरुद्ध, क्या हुआ बेटा? कोई दिक्कत? क्वेश्चन मार्क लगाया तुमने? चलो, रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इलेक्ट्रॉन यदि कोई गेन कर रहा है तो बेटा नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन के गेन होने से नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? देखो, F पे माइनस वन आया, O माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो O माइनस टू हो गया, सोडियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो सोडियम में कन्वर्ट हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है। यहां तक क्लियर है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब? यहां तक क्लियर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब? हर्षवर्धनी, पुलक, सुषमा, दीपाली, अनिरुद्ध, याशिका, सभी को क्लियर है? ठीक है, चल। तो ये हो गई बेटा हमारी मॉडर्न डेफिनेशन, जो लार्जली अब एक्सेप्टेड है सभी के द्वारा। लेकिन
हमारे पास में क्वेश्चन कुछ ओल्डर डेफिनेशन से भी आ जाते हैं, ओल्डर डेफिनेशन, ठीक है ना। जैसे अब हम ओल्डर डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन में, तो ओल्डर डेफिनेशन भी ऑक्सीडेशन की बहुत सारी हैं। पहली डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यदि हम ऑक्सीजन का गेन करते हैं तो, या कोई भी ऑक्सीजन का गेन करेगा तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने कार्बन को O2 के साथ में रिएक्ट कराया और मुझे मिला CO2, तो यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन का गेन किया या नहीं किया, तो कार्बन का क्या हो गया, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, ठीक। सिमिलरली मैंने लिखा H2 प्लस हाफ O2, क्या मिल गया मुझे, H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन किया तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली आयरन को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो मुझे मिला Fe2O3, ये मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दी। तो बेटा आयरन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इतना क्लियर है। ऑक्सीडेशन की जो मेन डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन है, वो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन सम ओल्डर डेफिनेशंस भी हमें आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। दूसरी है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, या ओल्डर डेफिनेशन की टर्म में भी मान सकते हैं हम, ठीक। जैसे CH4 में कार्बन ने इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को लॉस कर दिया या नहीं किया, तो यहाँ कार्बन का क्या हो गया है, रिडक्शन। CH4 में जो ये कार्बन है, इस कार्बन ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस कार्बन का क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। क्लियर है मेरी बात बेटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी लिख लो, लॉस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैंने लिखा FeCl3। अब बेटा आपको पता है आयरन मेटल होता है और क्लोरीन नॉन मेटल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल और नॉन मेटल में किसकी ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की। इतना याद है या नहीं है कि FeCl3 में आयरन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम होती है। अब इस रिएक्शन को आप देखो, मैंने इसको हीट किया तो मुझे FeCl2 प्लस हाफ Cl2 मिला। तो यहाँ देखो FeCl3 ने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लूज कर दिया है, छोड़ दिया है, इसका मतलब यहाँ पे आयरन का क्या हो गया है, गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। FeCl2 की रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ में कराई और मुझे मिला FeCl3। अब यहाँ पे देखो बेटा, FeCl2 ने एक क्लोरीन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आयरन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है, तो इसका मतलब यहाँ पे आयरन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आयरन यहाँ पे मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। तो गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया Hg2Cl2। अब यहाँ पे Hg मरकरी है, मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ी और यहाँ पे एक मरकरी लूज हो गया। अब क्लोरीन और मरकरी में मरकरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का लॉस होगा वो रिएक्शन भी आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतना क्लियर है सभी को? ये चारों डेफिनेशन कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, गेन ऑफ नॉन मेटल या लॉस ऑफ मेटल। चलो लिख लिया आप लोगों ने, चलें आगे। तो बेटा रिडक्शन का मतलब इन सभी का उल्टा हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो जाएगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब ऑक्सीडेशन का मतलब था गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन का मतलब क्या आ जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रिडक्शन का। और गेन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, ये हमारे पास में चार नई डेफिनेशंस आ गई जो कि पहले यूज की जाती थी, मतलब एक्चुअली तो ये ओल्डर है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन की अपन बात करें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया Fe2O3 गेट कन्वर्टेड इनटू FeO, Fe2O3 गेट कन्वर्टेड इनटू FeO। ठीक। अब बेटा मैं चेक कैसे करूं कि यहां पे किसका लॉस हुआ है, यहां पे मैं चेक कैसे करूं, तो ये अभी अपन एक क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं। जब मैं चारों डेफिनेशन बता दूंगा तो आप सॉल्व करके बताओगे कि ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है या रिडक्शन का एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है या फिर रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक। चलो उससे सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूँ, CO2 गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CO2 ने एक ऑक्सीजन को लूज कर दिया या नहीं कर दिया, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया है, रिडक्शन। लेड ऑक्साइड मैंने हीट किया लेड में और हाफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, CU2O कॉपर प्लस ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे लेड ने भी ऑक्सीजन को छोड़ दिया, यहाँ पे कॉपर ने भी ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो यहाँ लेड का रिडक्शन हो गया। अनिरुद्ध, यहाँ पे आयरन का भी लॉस हुआ है और ऑक्सीजन का भी लॉस हुआ है, यहाँ देखो आयरन का भी लॉस हुआ है, ऑक्सीजन का भी लॉस हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जब अपन पूरी रिएक्शन कर लेंगे उसके बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है बेटा, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ
रिडक्शन रिएक्शन या ओल्डर डेफिनेशन बोल सकते हैं। मैंने कार्बन की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ में और मुझे मिला CH4। तो यहाँ पे कार्बन ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, तो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो अब है बेटा अगला, लॉस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मैंने लिया PCl5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस। ठीक, तो जब मैं इसे हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा PCl3+Cl2। अब देखो बेटा इस कंपाउंड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपके रिडक्शन का। ठीक, नेक्स्ट है CuCl2 की रिएक्शन मैं कॉपर से कराऊं। कॉपर और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की, कॉपर मेटल है। तो इस रिएक्शन में यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का गेन हो जाए तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, Cu2Cl2। तो यहाँ पे गेन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका रिडक्शन का। ठीक, तो अभी तक रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में कोई दिक्कत है आपको, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? तो अब मुझे आप ये सॉल्व करके बताओ कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का या ऑक्सीडेशन का? हर्षवर्धनी बेटा न्यू एडमिशन हो आप, दीपाली क्या है बेटा इसका आंसर, ये रिएक्शन रिडक्शन का एग्जाम्पल है या ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है? चलो देखते हैं अपन, जब Fe2O3 FeO में कन्वर्ट हुआ अनिरुद्ध दोनों का है, चलो ठीक है। अब देखो बेटा जब मैं यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड गया तो आयरन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, तो एक माइनस वन, एक एटम कौन सा गया है इलेक्ट्रो पॉजिटिव का। ठीक, और बेटा जब मैं यहां से यहां गया हूं तो दो एटम गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले। देखो Fe2O3 को मैंने FeO में कन्वर्ट किया तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम गया और दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गए, तो ज्यादा कौन से गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना, ठीक है बेटा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां से गए हैं, देखो दो ऑक्सीजन गए हैं और एक आयरन गया है, तो ज्यादा कौन सा गया है, दोनों का एग्जाम्पल तो है लेकिन बेटा आपको कोई एक ही आंसर देना है। तो देखो सिर्फ अकेला एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम गया है लेकिन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गए हैं, पुलक सही है आंसर। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लॉस होना क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन। देखो इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम भी गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी गया है, लेकिन जब Fe2O3 से FeO बना है तो एक आयरन गया है, मतलब एक मेटल गया और दो नॉन मेटल गए, तो ज्यादा कौन गया, नॉन मेटल, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। हाँ निरुद्ध दिया था ना पहले से ही, तो मैंने आपके कन्फ्यूज कर दिए थे, हो गए फ्यूज कान। ठीक है बेटा, चल तो ये हमने देख लिया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। बताओ बेटा
ऑक्सीडेशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? सभी लोग, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बहुत बढ़िया आंसर है, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है हमारा एक और डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो इसमें लिखो आप, इट इज ए रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एटम पे एक रियल या इमेजिनरी चार्ज क्या कहलाता है? उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज एन रियल और इमेजिनरी चार्ज, इट इज ए रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम। ठीक। अब बेटा आप लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो अब हम समझते हैं कि रियल और इमेजिनरी चार्ज का मतलब क्या है। बेटा आयनिक कंपाउंड अपन कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड अपना एक आयनिक मॉलिक्यूल है, अपन क्या लिखते हैं इसको? Na प्लस Cl माइनस। तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड में ये जो चार्ज हैं, ये कैसे चार्ज हैं? रियल चार्ज है। क्या है ये? रियल चार्ज है, ठीक। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा तो वो क्या होगा? रियल चार्ज। रियल चार्ज, जैसे सोडियम पे कितना चार्ज है? प्लस वन। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? प्लस वन। क्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? माइनस वन। क्लियर मेरी बात बेटा? यहाँ तक क्लियर है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो चार्ज होता है वो रियल चार्ज होता है। वेरी गुड पुलक। आयनिक कंपाउंड में चार्ज अपोजिट होते हैं, तो जो चार्ज है बेटा आयनिक कंपाउंड में वो रियल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड की, अब बेटा आयनिक बॉन्ड तो बनते हैं बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर हो जाएगा तो जिसने दिया है उस पर पॉजिटिव और जिसने लिया है उस पर नेगेटिव चार्ज। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की सिर्फ और सिर्फ क्या होनी है? शेयरिंग होनी है, ठीक। मैंने मॉलिक्यूल लिखा वाटर, H2O, ठीक। अब बेटा आपको भी पता है कि बेटा आप लोगों का पीरियोडिक टेबल हो गया या नहीं हुआ अभी तक? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ये नहीं पता है तो अभी ध्यान रखो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो अगली क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करा दूंगा, मुझे याद दिला देना बेटा सुषमा, है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? बेईमानपन। क्या होता है? बेईमान। सपोज करो एक ईमानदार और एक बेईमान ने एक एक रुपया मिला के बिजनेस चालू किया, तो उस बिजनेस में टोटल रुपीज 2 हैं, लेकिन उस 2 रुपए के ऊपर कमांड किसकी ज्यादा रहेगी? जो बेईमान होगा।
और केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेईमानपन के ही बराबर होती है। अब यहाँ पे दोनों ने ये बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन से बनाया, लेकिन इस ऑक्सीजन की कमांड इसके ऊपर ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिसक आएंगे? इस ऑक्सीजन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिसक आएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे तो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुए नहीं है। जैसे दो लोगों ने बिजनेस चालू किया, एक ईमानदार और एक बेईमान, तो दो रुपये तो ईमानदार के भी हैं और बेईमान के भी हैं, लेकिन बेईमान की पकड़ उसके ऊपर ज़्यादा है, तो दोनों में से मुझे ज़्यादा पैसे वाला कौन दिखेगा? जो बेईमान है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ खिसक जाते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जैसे सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया था। यदि ट्रांसफर हो जाता तो जिसने दिया है उस पर कंप्लीट पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव आ जाता, और जिसने लिया उसके ऊपर रियल नेगेटिव आ जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव आएगा। ये जो डेल्टा साइन है ये मैंने क्या बनाया है? पार्शियल नेगेटिव। और जिसने दे दिया है, जिसके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने खींच लिए हैं, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक नई चीज़ हमने सीखी, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल नेगेटिव कोवेलेंट कंपाउंड में किस पे आएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड में ये पार्शियल चार्जेस हैं, इट मींस दे आर इमेजिनरी चार्जेस, कोई रियल तो है नहीं ये, कि यहाँ पे कंप्लीट प्लस वन, यहाँ पे कंप्लीट माइनस वन कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है वहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसका मतलब वहाँ पे चार्ज कौन से होते हैं? इमेजिनरी चार्जेस। और ये इमेजिनरी चार्जेस हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? तो इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड में कौन से चार्ज हो गए? इमेजिनरी चार्जेस, ठीक। अब इस इमेजिनरी चार्ज को आपको कैसे डिसाइड करना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कोवेलेंट कंपाउंड में इन इमेजिनरी चार्जेस को हम ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं, ठीक है। तो बेटा रियल और इमेजिनरी में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोवेलेंट कंपाउंड में इमेजिनरी चार्ज, आयनिक कंपाउंड में रियल चार्ज। कोवेलेंट कंपाउंड में इस इमेजिनरी चार्ज को कैसे डिसाइड करना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आनी चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की नेगेटिव आनी चाहिए। याशिका, अनिरुद्ध, पुलक, हर्षवर्धनी, सुषमा, यहां तक क्लियर है? रियल और इमेजिनरी चार्जेस, रियल और इमेजिनरी चार्जेस सभी को क्लियर हैं तो अपन आगे चलेंगे। अनिरुद्ध नहीं है, क्लियर। याशिका, चलो तो आज की क्लास यहाँ तक अपन ख़त्म करते हैं। अगली क्लास से अपन इसको और डिटेल में लेंगे, ठीक है। जब तक